दोस्तों आत्महत्या किसी भी मजबूरी किसी भी मसले का हल नहीं, क्योंकि जब इंसान आत्महत्या करता तो उसके बच्चों का उसके बुजुर्गों का कोई भविष्य नहीं होता, तो होता कोई भी कल नहीं। विभत्ती नवा शहर देख रहे हो, मैं थोड़ा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। दोस्तों तुसी कैप्शन पढ़ ली है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे एक दर्जा चार मुलाजम ने आत्महत्या की, पर असी सोचते हैं सिचुएशनस किधर जा रही हैं। चंद दिन पहला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो वीडियोज़ वायरल होंदियां, फिर LPU यूनिवर्सिटी विखे एक नौजवान विद्यार्थी सुसाइड कर लैंदा, हुण पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे एक दर्जा चार मुलाजम जिसकी उम्र 28 साल है, जो जिसका नाम रोहतास कुमार है, जो पिछों हरियाणा जाखड़ का रहने वाला है और 2016 तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से यूनिवर्सिटी विखे नौकरी कर रहा है, वारिस भवन विखे नौकरी कर रहा है, उसने गलफाहा लैके वारिस भवन विखे ही जड़ा सुसाइड कर लिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। सुबह इस वाक्य का पता लगता है, पुलिस का यह कहना है कि बॉडी नू मोर्चरी विखे रखा दिता गया, फैमिली नू इनफॉर्म कर दिता गया, ये नौजवान मैरिड सी, कारण की बड़े ने सुसाइड दे हाले तक पता नहीं लगे, लेकिन परिवार के आने तो बाद जी अगेली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पर दोस्तों असं इत्थे गल सोचते हैं कि हो सकता कई वेले लाइफ में हॉरीफाइंग सिचुएशन आ जाए, बहुत मुश्किल आ जाए, बहुत मुसीबत आ जाए, बहुत मशक्कत आ जाए, पर असी मशक्कत खत्म करते करते इंसान मशक्कत खत्म करता करता अपने जीवन लीला क्यों खत्म कर लेंदा, जीवन में क्यों एंड कर देंदा, क्यों जीवन में क्विट कर देंदा, क्योंकि जब इंसान मरता है वह कल्ला आप नहीं मरता आत्महत्या नाल, उसके पिछे उसका परिवार उसके बच्चे उसके माँ प्यो भी मर जाते हैं, पल पल मरते हैं कि कारण की बनया, साढ़े अपने प्यारे ने अपने दिल का दर्द साढ़े नाल सांझा क्यों नहीं किया। इस करके मैं जरूर एक गल आखनी चाहाँगा कि यू नीड मोर करेज टू लिव योर लाइफ दैन टू किल योर लाइफ, जिंदगी जीण लई करेज चाहिए है। और अफसोस की गल यही है कि इस वीर ने जेकर किसी ने अपना दिल का दुख फोलिया हों, अपनी वाइफ बारे अपने मा प्यो बारे सोचा हों, शायद अज परिवार के कोल हों। देखते हैं जी मौके दस्वीर। हाँ हाँ जी सर, जिहड़ा ये अज सुसाइड का मामला सामने आया, पूरा मामला की हैगा, तो कौन सी बंदा जी ये जी? कि डेरीवेजर तो रोहतास कुमार करके वारिस भवन का स्टाफ से, तो मेहनती मुंडा से काफ़ी, तो अज सवेरे सानू खबर मिली कि इन्हें सुसाइड कर लिया, नाल दी नाल मैडिकल ऑफिसर नूं दस्सिया गया, तो पुलिस ने इनफॉर्म किया गया, तो वारसां नूं भी नाल दस दिता गया सी, तो पुलिस मौके पर पहुँच गई सी, उहदे बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई करके वारिस भवन ही रहा सर? नहीं जी, वारिस भवन ही ड्यूटी करता सी, इतने कोल पिंड से अपने रिश्तेदार को उत्थे रहिंदा सी। कोई कारण का तो नहीं पता लगे जी हजे? नहीं जी, इदा नहीं, बहुत मतलब कभी भी किसी तरीके की कोई यदि कंप्लेंट या कोई उदा नहीं सी, अच्छा मेहनती वर्कर सी, चीज़ का मतलब काफ़ी दुख है कि एक बहुत हार्ड वर्कर रखता सी। ठीक है, कोई मदद की जाऊगी यूनिवर्सिटी वालों परिवार की? हूँ ये बारे रजिस्ट्रार साहब या अमृतसर दस देंगे, बाकी परिवार को जी भी चीज़ की लड़ हैगी असं उस तरीके कोऑपरेट कर। ਅਸਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, 2016 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੋਡੀ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਰਿਸ ਭਵਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? 2016 ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਖਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾਖਲ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।